उत्तर प्रदेश के महोबा में एक वकील को जेल भेजने के बाद वकीलों ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दावा है कि जमीन के विवाद को लेकर वकील और उसके भाई ने सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही वकील नाराज हो गए और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने प्रशासन पर उन्हें परेशान करने का आरोप भी लगाया। चलो साथी, हमें हमारे सम्मान में दफन दादी की तो आपको उतना ही अपमानित किया जाएगा जितना आपने हमारे वकील परिवार को अपमानित करने की बात की। वकीलों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। वो चाहते हैं कि उनकी जमानत पर रिहाई, इसके संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। पुलिस के भरोसा दिलाने के बाद वकीलों ने प्रदर्शन रोक दिया। पंजाब के बठिंडा में हुई छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध लड़कों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए दोनों लड़कों के तार अमृतसर हमले से जुड़े होने की आशंका जताई गई और दावा किया गया कि हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्ध लड़के पुलिस को अपनी पहचान से जुड़ी कोई ठोस जानकारी नहीं दे सके, जिसके बाद पुलिस ने बिना वक्त गंवाए उन्हें कस्टडी में ले लिया और उनके तार अमृतसर हमले से जुड़े होने की आशंका जताई। दोनों की जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध लगी, जिसके बाद इन दोनों युवकों को बठिंडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इनसे अमृतसर हमले को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने जानकारी दी कि दोनों संदिग्ध बठिंडा में पेइंग गेस्ट बनकर रह रहे थे। उनकी तलाश में बठिंडा के कई इलाकों को सील कर दिया गया था। वो बचकर भाग न निकले इसके लिए गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। कई हॉस्टल और मकानों में भी पुलिस ने छापा मारा, जिसके बाद दोनों संदिग्ध लड़कों को कस्टडी में ले लिया गया। इससे पहले हमले के वक्त का जो सीसीटीवी वीडियो पुलिस के हाथ लगा उसमें भी दो आरोपियों को देखा गया था। बिहार के दरभंगा में आयोजित एक एयर शो के समय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई। 3 दिन के अभ्यास के बाद इस एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें वायुसेना की सारंग टीम के 4 हेलीकॉप्टर ने एक साथ उड़ान भरी और हवा में कई तरह के करतब दिखाए। आसमान में कलाबाजियां खाते हेलीकॉप्टर ने कभी धुएं से दिल की आकृति बनाकर लोगों को रोमांचित किया तो कभी एक दूसरे के बेहद करीब से गुजरकर लोगों की सांसें थाम दी। तेजी से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर एक दूसरे को क्रॉस करते तो कभी सीधे ऊपर जाते और फिर नीचे की ओर गोता लगाते। एयर शो देखने पहुंचे लोगों ने ताली बजाकर और भारत माता की जय के नारे लगाकर पायलटों का हौसला बढ़ाया। यहाँ मैंने इन सारंग टीम का जुनून देखा कि जिस तरह से ये लोग कर रहे थे वो काफी बेहतरीन था। दरभंगा में एयर शो के जरिए वायुसेना का मकसद युवा पीढ़ी को एयरफोर्स की तरफ आकर्षित करना था। लोगों ने हमें सपोर्ट दिया है आके और हमारे टीम को जितना जोश दिलाया है उसके लिए मैं पूरे दरभंगा वासियों का शुक्रिया करता हूँ। आने वाले समय में वायुसेना बिहार में इससे भी बड़ा एयर शो आयोजित कर सकती है, जिसमें लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में संतोष गौड़ नाम के एक पत्रकार के पिता जयराम गौड़ की एसपी ऑफिस के पास कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि आपसी रंजिश की वजह से ही उनकी हत्या की गई, जिसकी जानकारी मिलते ही उनके घर वाले अस्पताल पहुंचे और खून से लथपथ जयराम गौड़ का शव देखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। पत्रकार के पिता की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और इस दौरान कुछ महिलाओं ने रोते हुए पुलिस से सरेआम हुई हत्या पर सवाल पूछे। हत्या की घटना एसपी ऑफिस के पास हुई, इसलिए पत्रकार संतोष गौड़ ने घटना के लिए पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े किए। पुलिस अधीक्षक ऑफिस और पुलिस लाइन के बीच में अगर बदमाश आके गोली मार के चले जाते हैं तो इतनी बड़ी शर्म की निंदनीय, इतनी बड़ी निंदनीय बात क्या हो सकती है। घटना की खबर फैलते ही हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ जुट गई, जिसे देखकर पुलिस ने जल्द ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किए। जांच में जुटी पुलिस कुछ लोगों को घटना वाली जगह पर भी ले गई, जहां चश्मदीदों ने बताया कि जयपाल गौड़ अपनी बाइक से जा रहे थे तभी उन पर कुछ लोगों ने हमला किया और फिर वो वहां से फरार हो गए। पुलिस ने घटना वाली जगह से उनकी बाइक भी बरामद की जो सड़क किनारे पड़ी थी। इस दौरान वहां हमले के कुछ और निशान भी नजर आए। स्वाट टीम और जांच टीम पूरी लगा दी गई है और जल्द ही अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। कुछ सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने दावा किया कि वो इस घटना में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। ओडिशा के कटक में यात्रियों से भरी एक बस बेकाबू होकर महानदी ब्रिज से नीचे गिर गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 46 यात्री घायल हो गए।
जिसकी सूचना मिलते ही स्पॉट पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और मशीनों की मदद से बस में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि पुल काफी ऊंचा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के समय काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। ब्रिज के थ्रू ऊपर से पहले रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि ब्रिज बहुत ऊंचा है वहाँ नहीं होने से हम लोगों ने पानी के थ्रू रेस्क्यू करने का प्रयास किया। हादसे के बाद स्पॉट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को रेस्क्यू ऑपरेशन के समय काफी मुश्किल हुई। हालांकि पुलिस ने हादसे वाले पुल का एक हिस्सा आवाजाही के लिए बंद कर दिया। काफी प्रशंसनीय काम किए हैं रेस्क्यू में, अभी उनका चिकित्सा चल रहा है इधर एसी मेडिकल कॉलेज में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हादसे पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। म्यांमार के थोंजी शहर में एक फेस्टिवल के दौरान भीषण हादसा हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब वहां एक हॉट एयर बलून आतिशबाजी करते हुए उड़ान भर रहा था, जिसको लेकर लोग रोमांच से भरे हुए थे और लगातार हूटिंग कर रहे थे। इस दौरान हॉट एयर बलून से रुक रुक कर आतिशबाजी भी की जा रही थी। ये बलून उड़ान भरते हुए करीब 300 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद चारों तरफ आतिशबाजी करने का सिलसिला शुरू होना था, लेकिन तभी हॉट एयर बलून को जिस फ्रेम से बांधा गया था उसकी रस्सियां टूट गईं, जिसके बाद वो देखते ही देखते 300 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। इसके बाद उससे चारों तरफ आतिशबाजी होने लगी और जल रहे पटाखे लोगों के ऊपर गिरने लगे, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। इस हादसे में कई लोग भगदड़ मचने से घायल हो गए तो कुछ लोग पटाखों की चपेट में आने से झुलस गए। जानकारी दी गई कि वहां दजन दैंग नाम के फेस्टिवल की शुरुआत आतिशबाजी से होनी थी, जिसके लिए इस हॉट एयर बलून को उड़ाया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे पाकिस्तान को सुरक्षा बल ने एक और झटका दिया। शोपियां में कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन शोपियां में हुई मुठभेड़ का असर पुलवामा तक हुआ, जहां पाकिस्तान के इशारे पर पत्थर उठाने वाले लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सड़क से गुजर रही सुरक्षा बल की गाड़ी पर ही गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। शहर के अहम चौराहों पर भी पत्थरबाजों की फौज पहुंच गई। सुरक्षा बल के जवान आंसू गैस के गोले दागकर हालात काबू करने की कोशिश करते रहे। पत्थरबाजों का ये गुस्सा 4 आतंकियों के ढेर होने पर था। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बल ने घेर लिया। हर तरफ सुरक्षा बल की गाड़ियां दिखने लगी। घंटों तक दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही। बीच बीच में आसमान में उठता हुआ काला धुआं दिखता रहा। लंबी मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ढेर हुए आतंकियों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। 4 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट उसमें मारे गए हैं। उनकी आइडेंटिटी अभी हम असर्टन कर रहे हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए शोपियन में। हालांकि मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान भी शहीद हो गया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों की ये छटपटाहट जम्मू कश्मीर में हो रहे पंचायत चुनाव की वजह से है। इसीलिए बौखलाए पाकिस्तान ने अब बेकसूर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी फौज ने सरहद पर बसे भारत के गांव पर गोलियां और मोर्टार दागने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोगों का घरों में रहना तक मुश्किल हो रहा है। पुंछ में पहाड़ के दूसरी तरफ बैठी पाकिस्तान की फौज सुबह से ही भारत के गांवों और फौज के ठिकानों पर गोलियां और मोर्टार दागती रही। कुछ मोर्टार लोगों के घरों में गिरे और कुछ सुरक्षा बल के ठिकानों पर गिरे। यहीं पर खड़ा था मैं तो काफी जोर की आवाज आई यहाँ से, तो मैं पेड़ के पीछे छिप गया। मैंने सोचा क्या पता, हमें अंदाजा नहीं है कि कहाँ गिरेगा कहाँ नहीं, तो ये ब्रिगेड के अंदर गिरा। एक पहले भी गिर चुका है 10 मिनट पहले, तो एक अभी गिरा है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से आम लोग गुस्से में। घिनौनी हरकत जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि जब सुबह उठ के लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं उस मालिक को याद करने के लिए, तो ये पाकिस्तान जो है वो लोगों में दहशत खौफ पैदा करने के लिए ऐसी चालें चल रहा है। हालात ये हो गए कि स्कूल खुलने के कुछ घंटे बाद ही बच्चों को वापस भेजना पड़ा। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच कंधों पर भारी बैग टांगे बच्चे घरों की तरफ दौड़ने लगे। स्कूलों में पढ़ाई के वक्त भी तमाम कमरे खाली रहे और स्कूल का स्टाफ गोलीबारी थमने का इंतजार करने लगा। इस बीच जम्मू कश्मीर में एक अलगाववादी नेता की हत्या ने भी माहौल बिगाड़ दिया। अनंतनाग जिले में हुर्रियत नेता को उनके घर के बाहर ही कुछ हमलावरों ने निशाना बनाया और उनके समर्थक उनका शव लेकर सड़क पर निकल पड़े। भारी हंगामा और नारेबाजी होने लगी। सड़कों पर निकले लोग अलगाववादियों के समर्थक थे तो देश विरोधी नारे लगाने में भी इन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, लेकिन कैमरा प्रदर्शनकारियों से घूम ही रहा था कि उन्होंने अपनी असली पहचान भी बता दी। हम हिजबुल मुजाहिदीन हैं। यानी सड़कों पर अलगाववादियों के समर्थन में निकलने वाले कोई और नहीं, हिजब के आतंकी ही थे। यही भीड़ थोड़ी देर में अस्पताल में पहुंच गई, जहां हुर्रियत नेता हफीजुल्ला मीर की पत्नी को भर्ती कराया गया था। मीर की पत्नी को भी गोली लगी थी, लेकिन अस्पताल में पहुंची भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ ने मरीज को घेर लिया और डॉक्टर तक परेशान हो गए।